नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। काफी दिनों से अधीनस्थ सेवा बोर्ड जो है इसका अध्यक्ष का पद खाली था। उपेन यादव जो है उन्होंने अनशन भी किया और उसके बाद में आखिरकार एक नया अध्यक्ष जो है वो मिल चुका है आलोक राज के रूप में, जिन्होंने अपना करियर जो है वो एक फौजी के रूप में शुरू किया था। अधीनस्थ सेवा बोर्ड जो है जैसे इनके अध्यक्ष बनते हैं तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कि अब क्लियर होने की कगार पर है। जैसे महिला सुपरवाइजर है 176 पद है, इसके साथ में ही पर्यवेक्षक महिला बाल विकास है 209 पद है, पटवारी जल संसाधन है 272 पद है, ये सीईटी से बाहर है पद। जिलेदार है जल संसाधन छात्रावास, ये भी जो है सीईटी से बाहर है और काफी अच्छी पोस्ट है। जो अधीक्षक है ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। सामाजिक न्याय 335 पद है। महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी के अंदर 202 पद है। पशुधन परिचर 5,934 पद है जो कि काफी अच्छे पद है। जयन है जल संसाधन विभाग के अंदर 150 पद है। जयन है पीएचडी के अंदर 124 पद है और पीडब्ल्यूडी के अंदर जयन है 48 पद है। ये तमाम जो है वो प्रस्तावित वैकेंसियां हैं। अब जो है इनकी नोटिफिकेशन जारी जो है ना वो होना शुरू हो जाएगा। आलोक राज जो है वो बेसिकली इनका करियर एक मिलिट्री मैन के रूप में रहा है, तो वाकई में अब लगता है कि वैकेंसी जो है वो कुछ ट्रांसपेरेंसी जो है उसके साथ में बढ़ती जाएगी, ऐसी उम्मीद जो है वो हम लोग करते हैं। और देखिए, एक स्टूडेंट होने के नाते आप तमाम विद्यार्थी जो है हमेशा इस चीज का इंतजार करते हैं कि जब भी वैकेंसीज रिलीज हो तो विदाउट एनी करप्शन, बिना किसी भ्रष्टाचार के जो है वो कंप्लीट हो जाए। आलोक राज जो है वो भारतीय सेना में 37 वर्ष से अधिक जो है वो समय तक काम कर चुके हैं। उन्हें जून 1983 में सिख लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन में कमीशन मिला था। वह यूएन सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में अंगोला में विदेशी मिशन के साथ भी जो है वो काम कर चुके हैं। मतलब इनका करियर जो है वो एक तरीके से फौजी के रूप में रहा है, और फौजी जो है वो हमेशा कड़क होके काम करता है। और लेकिन देखना यह होगा कि वाकई में ये फौजी जो है वो कड़क होके काम करता है या फिर राजनीति के रंग में जो है वो रंग जाता है, देखना होगा। 2014 में कर्मचारी चयन बोर्ड जो है इसका निर्माण किया गया था और उसके बाद में से बहुत सारी वैकेंसी जो है वो इनके द्वारा रिलीज की जाती है। आप लोग को पता है कि 3600 ग्रेड पे से जो नीचे की वैकेंसीज हैं वो सभी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है वो संभालता है। इसके ऊपर की सभी वैकेंसीज को आरपीसी के द्वारा संभाला जाता है। अभी तक के जो चेयरमैन रहे हैं वो सबसे पहले आरती मीणा रहे हैं 2014 से लेकर 2017 तक। उसके बाद में नंद सिंह नरोका रहे हैं 2017 से लेकर 2018 तक। फिर बीएल जाटावत रहे हैं 18 से 21 तक। हरि प्रसाद शर्मा रहे हैं 2021 से 2023 तक। और अब जो है वो बनने वाले हैं 3 साल के लिए। कब के लिए? 3 साल तक जो है वो रहने वाले हैं इस पद पर, आलोक राज। तो आलोक राज के राज में अब किस प्रकार जो है वैकेंसीज को निपटाया जाएगा, क्या वाकई में भ्रष्टाचार मिटेगा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन देखिए, भ्रष्टाचार किया किसके द्वारा जाता है? पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वाकई में अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बच्चों का जो भविष्य है इसको कहीं ना कहीं अंधकार में जो है वो डाल देती है। क्योंकि जैसे आप लोग देखते हैं कि इलेक्शन जैसे नजदीक आता है तब वैकेंसीज की भरमार आती है। अभी देख लीजिए, जूनियर अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन पहले रिलीज हुआ था लेकिन आरएस की जो एग्जाम है सबसे पहले लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि बेसिकली इनका शेड्यूल जो है, टाइम टेबल, वो बैठ नहीं पाता है। तो आलोक राज जो है वो अधीनस्थ सेवा बोर्ड के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज को भी रिलीज करेंगे, नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिएगा, बहुत बेसिक जो है उसको तैयार करके रखिएगा। जैसे आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उनको तैयार कीजिएगा, एनसीईआरटी जो है उनको तैयार कीजिएगा। तो अब जो है वो वैकेंसीज के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। ठीक है, चलिए। तो अभी इंडिपेंडेंस डे जो है इसके मौके पर आप लोगों के लिए डिस्काउंट अवेलेबल है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। आरएस प्रीलिम्स के लिए 1499 के अंदर पूरा का पूरा वीडियो कोर्स और साथ में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, चाहे तो टेस्ट सीरीज अलग से ले सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के लिए 799 में वीडियो कोर्स और साथ में पेपर 1 पेपर 2 का जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको इसके साथ में ही अवेलेबल करवाई जाती है। अगर चाहें तो अलग से भी आप लोग टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ और क्विज आप लोगों के लिए वहां पर अवेलेबल होते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।